हेलो हेलो जी सर। जाऊँ आमर तो पाला चल जाए हम जीव को कौन दोनों सर बड़ा हो जाने को। हेलो हेलो मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। तो मैंने उस दिन कुछ दिया था आप लोगों को पढ़कर आने के लिए। क्या दिया था? उपन्यास के बारे में क्या क्या कोर्स में है जरा बताओ। त्यागपत्र और मानस का हंस। पढ़कर त्यागपत्र की जो अंतर्वस्तु है जरा बताइए। जी सर, आपने हमको दिया था, कहानी दिया था पढ़ने, समझाने के लिए, बोलने के लिए, जो उपन्यास एक नहीं दिया? सौ दस का दिया था। अच्छा जी सर। ओके। हेलो हेलो, तो त्यागपत्र की बात हो रही थी। चलो
तो त्याग पत्र के बारे में हम बात करते हैं कि त्याग पत्र की अवधारणा, त्याग पत्र की बात होनी चाहिए। त्याग पत्र में जैनेन्द्र कुमार का ये उपन्यास है त्याग पत्र, तो उसमें क्या कहा गया, त्याग पत्र उपन्यास में क्या जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित त्यागपत्र उपन्यास एक अनमोल, एक अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कहानी है। जिस प्रकार हमने निर्मला में बताया था कि निर्मला जो है अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कथा पर आधारित है, उसी प्रकार त्यागपत्री भी है। इसमें उपन्यासकार ने उन समस्याओं को उठाया है जो समाज की कई सच्चाइयों से आपको परिचित करवाती है। त्यागपत्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो ये है कि त्यागपत्र का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। त्यागपत्र अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कहानी है। इसकी अभागी नायिका मृणाल के पति को उसके पूर्व प्रेम का पता चल जाता है और वह उसको घर से निकाल देता है। उसका नतीजा प्रमोद एक निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति है। उसका भतीजा जो है प्रमोद है वो एक निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति है, किंतु पूर्ण सहानुभूति रखते हुए भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। इसके उपरांत इस निरीह और निरपराध युवती की जो दयनीय दशा होती है वो देखने लायक है, बड़ी ही पीड़ादायक। हिंदू समाज में अरक्षित नारी की आर्थिक प्रतंत्रता से उत्पन्न घोर विवस्था और गंभीर वेदना की यह गाथा पाठक के हृदय को बेचैन से भर देती है। जैनेन्द्र जी ने त्यागपत्र में जिन समस्याओं को उठाया है अपनी ओर से इनका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने तो लोगों की आंखें खोलने के लिए विसंगतियों का चित्रण तो कर दिया, लेकिन जो नारी समस्याओं का उसने उद्घाटन किया है ये मृणाल की वैयक्तिक नहीं है, अभी तो पूरे नारी समाज की है। जैनेन्द्र जी का त्यागपत्र एक नारी प्रधान उपन्यास है। त्यागपत्र समस्या प्रधान उपन्यास नहीं, वरन एक व्यक्ति प्रधान उपन्यास है। इसकी कहानी का निर्माण ऐसे ही हुआ। त्यागपत्र में जैनेन्द्र जी का दार्शनिक रूप स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी पूर्णता होते हुए भी दुरूहता नहीं है, उनका दर्शन समाज सापेक्ष है। त्यागपत्र
अरे स्टार किधर चले गए? अरे हेलो हेलो, मेरी आवाज जी सर, बीच में कट जी सर, जी सर, गया था बीच में, तो जी मैंने सर। देख, मैं बोल रहा हूँ और वो कट गया। तो चलिए हम बात करते हैं, त्याग पत्र की बात हो रही थी तो इसी में मैं, यानी त्याग पत्र में जो नायिका मृणाल है उसके पति को विवाह के बाद पता चलता है कि नायिका जो मृणाल है उस मृणाल का संबंध विवाह से पहले था। अतः वह क्या करता है ना, जब उसे पता चलता है कि विवाह से पहले मृणाल का संबंध किसी दूसरे से था, तब वह उसे क्या करता है, घर से बाहर कर देता है। लेकिन उसका जो भतीजा है प्रमोद, उसके साथ उसका अच्छा संबंध, मतलब वो उसकी उसके साथ उसकी सहानुभूति तो है, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर पाता। इस आधार पर फिर ये देखा जाता है कि किस प्रकार की स्थिति उपन्यास में है। उपन्यास में उपन्यास ये जो उपन्यास है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मनोविज्ञान के धरातल पर उपन्यास के ताने बाने बुने गए हैं। उपन्यास की कथा वस्तु, उसकी संरचना, उसके उसके संगठन शक्ति, ये तमाम बातें उभर कर आई है। आगे बताइए, आगे क्या है। आगे क्या है बताइए। त्याग जी सर, आगे है त्याग पत्र के चरित्र। पत्र के जो चरित्र हैं, क्या क्या चरित्र हैं आप देखिए बताइए। प्रमो एक तो है मृणाल, एक प्रमोद, तो इनके इनकी जो इनका जो चरित्र है, उन चरित्रों का हम क्या करते हैं, सही अर्थ में उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो जी सर, क्या क्या चरित्र हैं जरा देखिए, आप देखिए क्या क्या चरित्र हैं। जी सर, मृणाल है, प्रमोद है, प्रमोद के पिता, प्रमोद की माँ शीला और उसका भाई, मृणाल का पति कोयल, कोयले वाला। तो ये जो है इसी को लेकर ये कथानक, इस कथानक की रचना। तो इसमें जो कथानक है उसकी संरचना देखिए, मृणाल उसका उसका पति और उसका जो भतीजा है उसके केंद्र, उसी को लेकर ये कथा निर्मित हुई है और आगे भी ये संरचना दिखाई पड़ती है। तो आगे क्या है, आगे कौन सा उपन्यास है जरा इसकी बात कहिए। जी सर, आगे है अमृतलाल नागर और उनके उपन्यास। अमृतलाल नागर, मैंने अमृतलाल नागर और उनके उपन्यास। क्या है, मानस की हंस, जी सर, मानस का हंस। मानस केवल मानस के हंस हैं और क्या है। मानस का हंस का औपन्यासिक शिल्प, मानस का हंस के चरित्र। ठीक है, तो जी सर, देखते हैं कि मानस के हंस में क्या कथा बताई गई है। तो मानस का हंस, ये इस पर आधारित है। ये जो है इसमें इनकी कथा तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर ये उपन्यास, इस उपन्यास की रचना हुई है। मानस का हंस उपन्यास वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ था। अमृत लाल नागर जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन को आधार बना गया है। तत्कालीन अयोध्या, काशी के बिगड़ते धार्मिक अनुष्ठान
और दूषित वातावरण का यथार्थ रूप में प्रस्तुत किए, इसमें चित्रण किया गया है। मानस कहानी उपन्यास में विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता और भारतीयों की पीड़ा पाठकों में स्वराज और स्वतंत्रता के बीज बोती है। इसमें पात्र जो हैं तो तुलसीदास हैं, रत्ना हैं, अन्य पात्र में मैना कहारिन हैं, श्यामों की बुआ हैं, संत बेनीमाधव हैं, रामू द्विवेदी हैं, पंडित गणपति उपाध्याय हैं। मानस कहानी उपन्यास में तुलसी जी को एक सामान्य मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास के बचपन से लेकर राम नाम के मार्ग में लीन होने तक की कथा है। हालांकि इनका बचपन संघर्षों से भरा था, इसे हिंदी उपन्यासों की श्रेणी में क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। तुलसीदास जी के जन्म से इसमें कुछ काल्पनिक कथाओं का भी समावेश मिलता है। इसे नागर जी ने अपनी लखनवी शैली में लिखा है। तुलसीदास यानी लखनऊ के थे, इसलिए लखनवी शैली में उन्होंने इसे लिखा है। तुलसीदास का जन्म बड़े ही संकटग्रस्त समय में हुआ था, जब देश मुगलों के पंजों में फंसा हुआ था, युद्ध की स्थिति थी और सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। ऐसे में तुलसीदास ने बाबा नरहरिदास से दीक्षा प्राप्त की और फिर शेष काशी में प्राप्त। नरहरिदास की मृत्यु के बाद उनका आकर्षक मोहिनी के प्रति हुआ और संग्रचिका के डांट लगने के बाद वो यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। मानस कहानी जो उपन्यास के पश्चात इन्होंने रामचरित मानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। तुलसी ने राजा भगत नामक भक्ति के संपन्न मानकर वो राम भक्ति की ओर अग्रसित हुए। मथुरा, सोरो, अयोध्या होते हुए वे राजापुर पहुंचते। राजापुर के पंडित दीन बंधु तुलसीदास के चरित्र से खुश होकर अपनी पत्नी रत्ना का विवाह, यानी रत्नावली का विवाह तुलसीदास के साथ करवा देते हैं। रत्नावली एक पति पवित्रता पवित्रता ज्योतिष शास्त्र ज्ञानी स्त्री थी। पत्नी के प्रेम प्रति प्रेम ही उन्हें पत्नी के फटकार का कारण बना और उससे वे सांसारिक मोह माया से दूर हो गए। उसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा की और राम भक्ति में तल्लीन हो गए। जिस वक्त वो रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस वक्त उन्हें काशी के पंडितों के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तब तक उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। फिर वो राम कथा का प्रवचन चित्रकूट में करने लगे। फिर वे काशी में ही विनय पत्रिका का अंतिम पद लिखते हुए अस्सी घाट पर मृत्यु को प्राप्त किया। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास की आंतरिक और बाहरी संघर्ष को भली भांति दर्शाया है। तुलसीदास एक आम मनुष्य की भांति जीवन के द्वंद जिन्हें लड़ते हुए भी रचना चाहते हैं। पुत्र और पत्नी अपने सबसे प्रिय लोगों को त्यागना किसी और मनुष्य के लिए कितना कठिन रहा होगा, इसके पश्चात वो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करते हैं। उपन्यास का उद्देश्य लोगों में अनास्था और अविश्वास के समय में इन सब को पुनः जीवित करने का है। इसमें क्या शिल्पगत विशेषता है? मानस कहानी उपन्यास में पात्रों को ऐतिहासिक, समाज शास्त्रीय और स्वच्छंद विश्लेषण लेखक की आधुनिक और पारंपरिक विचारधारा को दर्शाता है। देश काल और वातावरण का वर्णन के लिए अनेक विद्वानों के मतों का उन्होंने उपयोग किया। तो इसी प्रकार अगर देखें तो मानस का अंश जो है अपने आप में एक अनूठी रचना है, जिसमें तुलसीदास के जीवन शैली को आधार बनाकर उपन्यास की रचना की गई है। उपन्यास के ताने बाने बुने गए हैं। और शिल्प की दृष्टि से देखें तो पात्र चरित्र चित्रण की दृष्टि देखें, उपन्यास की जो कला है इस आधार पर देखें तो उपन्यास की कला के आधार पर इसमें हम चित्रण ये चित्र पाते हैं कि उपन्यास कला का इसकी जो कथा वस्तु है, इसके जो पात्र हैं, मैंने पात्र के नाम बताए, इसमें इनकी भाषा शैली, देश काल, वातावरण, ये तमाम बातें जो है इस परंपरा के अंतर्गत आते हैं और इसी को महत्वपूर्ण माना गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इन इनके अलावा इस कोर्स में आगे क्या है जरा आप बताइए। जी सर, फिर यूनिट 3 आता है।
उसमें है मृगनयनी और आपका बंटी इकाई 12 में है। मृगनयनी का कथानक और प्रतिपाद्य मृगनयनी के रचनाकार कौन है जरा बताओ। जी सर बताती हूँ। जी जी सर वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है। ये वृंदावन लाल वर्मा का ये जो उपन्यास मृगनयनी है, इसकी क्या कथा वस्तु है, इसका इसका क्या अंतर वस्तु है, इस पर इसकी हम चर्चा करते हैं। एक मिनट रुकिए। वृंदावन लाल वर्मा 1949 के अंत में ग्वालियर की एक सम्मानित पीठिका ने इस मुझमें मृगनयनी और इसे इन्होंने इसका परिचय दिया है। देखते हैं मृगनयनी की कथा क्या है। एक मिनट यंत इंतजार कीजिए। देखिए मृगनयनी और मानसिंह तोमर के ऐतिहासिक रूमानी कथानक पर उपन्यास लिखने का अनुरोध किया। उन दिनों टूटे कांटे उपन्यास समाप्त हो चुका था। मानसिंह तोमर 1446 से 1516 तक ग्वालियर के राजा रहे। इतिहास लेखक फरिश्ता ने मानसिंह को वीर और योग्य शासक बतलाया है। अंग्रेज इसमें वे सारी बातें आती हैं। ग्वालियर पर सिकंदर लोदी के पिता बहलोल ने आक्रमण किए, फिर सिकंदर ने ग्वालियर के कचमुर निकालने में कसर नहीं लगाई। सिकंदर ग्वालियर पर 5 बार वेग के साथ आया। 5ों बार उसको मानसिंह के सामने से लोहा लेना पड़ा। उसके दरबारी इतिहास लेखकों अखबारों नवीशों ने लिखा है कि मानसिंह ने प्रत्येक बार सोना चांदी देने का वादा सोना चांदी नहीं देकर टाला। आश्चर्य है सिकंदर शरीका कठोर योद्धा मान भी लेता था। अंत में सिकंदर को 1504 में आगरा का निर्माण इसी मानसिंह तोमर को पराजित करने के लिए करना पड़ा। इसके पहले आगरा एक नगण्य स्थान था तो भी सिकंदर सफल न हो पाया। ग्वालियर पर घेरा डालकर नरवर पर चढ़ाई कर दी। नरवर तो इसी प्रकार ये कथा आगे बढ़ती है। इसी मृगनयनी जो है गुजर कुल की थी, राई गांव की दरिद्र कन्या, शारीरिक बल और सौंदर्य परम सौंदर्य के लिए विवाह के पहले प्रसिद्ध हो गई थी। परंपरा में तो उसके विषय में यहाँ तक कहा गया है कि राजा मानसिंह राय गांव के जंगल में शिकार खेलने गए तो देखा कि मृगनयनी ने जंगली भैंसों को सींग पकड़कर मोड़ दिया। एक साहब ने परम विश्वास के साथ मुझको बताया है कि राजा मानसिंह ने अपने महल में बैठे हुए थे, नीचे देखा कि जंगली भैंसों के सींग पकड़कर मृगनयनी मरोड़ रही है और उसको मोड़ रही है ग्वालियर के लिए। तो इस प्रकार ये कथा आगे बढ़ती है, मृगनयनी की कथा, मृगनयनी के बारे में। तो ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास के धरातल पर हम मृगनयनी की समीक्षा कर सकते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास में किस प्रकार उपन्यास और इसकी कथा को प्रमुखता प्राप्त है, यानी इतिहास और कल्पना का कहाँ तक मिश्रण हुआ है, ये देखने वाली बात है। इतिहास की दृष्टि से
किस पर कल्पना के कल्पना को किस प्रकार आधार बनाया गया है। ये बताइए, इसमें संदेह नहीं। तो इसमें ये कहा जाता है कि वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है किंवदंती है कि किसी नटनी वेडनी को नरवर किले से बाहर रस्ते पर टंगे टंगे जाकर, जो किले से बाहर एक पेड़ से बंधा हुआ था, चिट्ठी ले जाने के लिए कहा और वचन दिया कि यदि चिट्ठी बाहर पहुंचा तो नरवर का आधा राज्य दे दिया जाएगा। नटनी रस्ते के सहारे किले के बाहर ही आ गई। तो इसी प्रकार एक ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि में ऐसे उपन्यास, ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखा गया। राजा मानसिंह तो हमारा ऐतिहासिक पात्र है, उसकी वीरता एवं कला प्रियता से इतिहास अटपटा है। स्वयं उपन्यासकार वर्मा ने स्पष्ट किया है कि गुजरी रानी मृगनयनी के साथ मानसिंह का विवाह सन 1492 के आसपास हुआ होगा। मान मंदिर और गुजरी महल के सृजन की कल्पना की प्रेरणा मृगनयनी ही रही होगी। वैजनाथ गायक अर्थात बैजू बावरा मानसिंह और मृगनयनी के गायक थे। गुजरी टोड़ी माल गुजरी इत्यादि राग इसी मृगनयनी के नाम पर बने हैं। यानी ये जो इतिहास प्रसिद्ध पात्र है मृगनयनी, उसे कल्पनाशीलता के आधार पर कसने का प्रयास वृंदावन लाल वर्मा ने किया है। उस जमाने में जो सबसे प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे बैजू बावरा, उस बैजू बावरा ने किस प्रकार मृगनयनी के नाम से इस प्रकार मतों को रखा, इस प्रकार तथ्य तत्वों को रखा, ये इसे इन्होंने बताया है, स्पष्ट किया है, बतलाने का प्रयास किया है। तो आगे क्या है जरा बताइए। जी सर, आगे है मृगनयनी के चरित्र। मृगनयनी के चरित्र आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि वो इतना सारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा था आपको पढ़कर कुछ आने के लिए, आपने पढ़ा या नहीं मुझे पता नहीं, कुछ दिया था। जी सर, आप मुझे पूस की रात कहानी पढ़ने के लिए पढ़ने नहीं, दे उसकी समीक्षा करने के लिए। जी सर, मैं पढ़कर इस पेपर में और क्या है, और क्या क्या उपन्यास है जरा बताओ। इसमें है और रुग्णवेणी के परिवेश और संरचनाशील, फिर उसके बाद है मन्नू भंडारी के उपन्यास और आपका बंटी। एकदम नहीं सर, और दो है, आपका बंटी के चरित्र, फिर आपका बंटी का परिवेश और संरचनाशील। ये मान लीजिए वो परिवेश जो है यही उपन्यास के अंदर ही है, जैसे कि ये मृगनयनी ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसे मैं आपको ये देता हूं कि आप मृगन नेक्स्ट क्लास में हम दो विषय की चर्चा करेंगे, एक तो मृगनयनी है उसका परिवेश, और दूसरा जो है इसकी चर्चा करेंगे कि आपका बंटी और उसका परिवेश, इन दोनों की चर्चा होगी। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ाया, जो आपको बताया, क्या आप में से ये बात किसकी पल्ले पड़ी या समझ में आई या नहीं आई जरा आप बताइए। कोई शंका है तो बताइए। अगर आप में से जो हमने आज बताया मृगनयनी हो, या फिर उपन्यास तत्व के आधार पर त्याग पत्र हो, मानस का हंस हो, उसमें जो कथानक है, जो चीजें हैं, अगर इसमें से आपकी समझ में आई है तो आप हमें बताइए, अगर नहीं आई है तो पूछिए। रश्मिदा बताइए कि मानस का हंस जो है उससे आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया। जी सर, मैं बताती हूँ सर।
बताइए क्या है जो आपके मन में है, जो आपने समझा, बताइए। सर मानस सेंस के चैप्टर आज में पढ़ाई नहीं की, और मैं मृगनयनी के चैप्टर पढ़ रही थी, तो मानस सेंस का मुझे जो पढ़ा है या जो समझा है, ये किसके बारे में कहा गया है, इसमें कौन सी कथाएं है और उन कथाओं का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इन तमाम चीजों के बारे में आप बताइए। क्या कुछ हम में से इतने लोग हैं, इसकी क्या कथा वस्तु है, मानस के हंस की या त्यागपत्र की, उसमें क्या शिल्पगत विशेषताएं हैं, जरा बताइए।
जी सर। सर ये जो मानस अंश का उपन्यास है, ये तुलसीदास को जीवन के आधार बनाकर लिखा गया है। जी इसमें जो अयोध्या और काशी के धार्मिक अनुष्ठान, अयोध्या और काशी के बीच ही बीता है। उनकी पढ़ाई काशी में हुई और उन्होंने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की। 2 साल 7 महीने और 18 या 19 दिन लगे थे मानस को पूरा करने में। तो इसीलिए उनके इस जीवन अवधि को लेकर ये रचना हुई है। जी सर। उसमें उनके वैवाहिक जीवन है, उसमें उनका पारिवारिक जीवन है, किस प्रकार उनका जन्म एक अभुक्त मूला नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए उनके पिताजी ने उन्हें परित्याग कर दिया। और ये भी किंवदंती है कि जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही वे 4 कदम चल पड़े 7 कदम चल पड़े, बच्चा कांव 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 करता है और ये राम राम कहने लगे, और अशुभ बालक समझकर उनका परित्याग कर दिया गया। ये तमाम बातें हैं, तो इसीलिए ये कहा जाता है, इस प्रकार की स्थिति आती है। जी सर, ये जो विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता और भारतीयों की उस समय की जो परिस्थिति थी, जो परिवेश था, यानी यहाँ मुगलों का शासन था, तो तुलसीदास का जन्म एक ऐसी ऐसे संधान संधि संधान क्षण में हुआ था जब यहाँ मुगलों का राज था। मुगल यहाँ के सर्वसर्वा थे और वहाँ की, यहाँ उनकी जो मुगलों का जो आक्रमण है, उनकी जो बर्बरता है, उसी को इसमें अंकित किया गया है कि किस प्रकार, कैसी स्थिति, एक विनाशकारी स्थिति में हम लोग बढ़ रहे थे आगे और हमारी ऐसी दशा थी, इसी को देखने का प्रयास हुआ। ठीक है, जी सर। शंका है तो बताइए। जी सर, ये जो मृगनयनी का कथानक और प्रतिपद्य है, उसमें जो ये कथानक के अवान्तर प्रसंग, देखिए, ये क्या है? क्या हेलो, जी सर। उसमें जो संघ है उसका यानी इतिहास के साथ जिसका कोई तालमेल नहीं है, जो कोई घोलमेल नहीं है,
इतिहास के साथ उनका जो एक क्वालिशन कहिए, इतिहास के साथ उनका जो उनकी जो गठजोड़ कहिए, उसी को इसमें दिखाया गया है, यानी चित्रित किया गया है। जो प्रसंग इतिहास से तालमेल नहीं रखता, उन प्रसंगों को यहाँ स्थान दिया गया है, इसी को अवांतर प्रसंग कहते हैं, जो इतिहास के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। सर नेक्स्ट क्लास जो होगा मन्नू भंडारी के उपन्यास और आपका बंटी, ये एक मनु भंडारी का उपन्यास ही आपका बंटी है, आपका बंटी जो है वो मनु भंडारी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्लास में हम मृगनयनी की चर्चा करेंगे, आप मृगनयनी पढ़कर आइए, और मृगनयनी के साथ आपका बंटी, इसकी हम आलोचना करेंगे, ठीक है। जी।